गणतंत्र दिवस के मौके पर आज कहानी ऐसी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी है महाराजा हनुमंत सिंह और उनकी प्रेमिका जुबैदा की। आज ही के दिन 26 जनवरी 1952 को इस प्रेम कहानी का अंत हो गया था। लेखक अयोध्या प्रसाद अपनी किताब द रॉयल ब्लू में लिखते हैं कि कैसे इस खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। एक राजसी शादी में कलाकारों के बीच एक युवती ने गाना सुनाया और हनुमंत सिंह उनकी आवाज में खो गए। ये कोई और नहीं जुबैदा बानो थी। जुबैदा भी कोई आम नहीं, मुंबई के एक रिच बिजनेसमैन सर कासिम भाई मीठा और फैजी बाई की बेटी थी। इस एक मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे के हो गए थे। महाराजा ने जुबैदा बानो को आर्य समाज में ले जाकर उसे हिंदू धर्म के अंतर लिया और उसे अपनी पत्नी के रूप में अपने साथ में रखा। जुबैदा बानो से महाराजा को एक पुत्र भी हुआ। जिस दिन इन चुनावों के परिणाम आने वाले थे उस दिन महाराजा अपना विमान लेकर पाली की तरफ गए। जुबैदा भी इस विमान में थी। 26 जनवरी 1952 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही थी, जिसमें हनुमंत सिंह ने मुख्यमंत्री को हरा दिया था। लेकिन जीत की घोषणा होती उससे पहले प्लेन क्रैश में हनुमंत सिंह और जुबैदा की मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि महाराजा उस दिन जुबैदा को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, किंतु जुबैदा जिद करके महाराजा के साथ विमान में गई और दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुई। आज उनकी 71वीं बरसी है। आज भी मारवाड़ में लोग उनकी प्रेम कहानी को याद करते हैं।